हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष मिश्रा है और मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। आपको अलग अलग डिजीज के बारे में समय समय पर जानकारी देता रहता हूँ। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे क्रोनिक डिजीज के बारे में। क्रोनिक डिजीज का मतलब वैसी बीमारी जो लंबे समय तक चलती है, जैसे कि कैंसर है, जैसे कि डायबिटीज है, जैसे कि हाइपरटेंशन है। तो अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप क्रोनिक बीमारी से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें, वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ टू प्रिवेंट क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज को कैसे रोकें, क्रोनिक डिजीज से कैसे बचें। अगर बात करते हैं क्रोनिक डिजीज के बारे में तो क्रोनिक डिजीज आर लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशंस दैट आर लार्जली प्रिवेंटेबल। क्रोनिक डिजीज बॉडी का ऐसा कंडीशन है, ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चलती है, लॉन्ग टर्म तक चलती है। अगर हम थोड़ा सा ख्याल करें तो निश्चित रूप से इसे बचा जा सकता है। बाय अंडरस्टैंडिंग रिस्क फैक्टर एंड मेकिंग हेल्दी चॉइस वी कैन रिड्यूस आर चांसेस ऑफ डेवलपिंग दिस डिजीजेस। इस प्रकार की जो बीमारी है, अगर हम थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, थोड़े से हेल्थ के कंडीशन को समझना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से इस प्रकार के क्रोनिक डिजीज से हम बच सकते हैं। जब बात करते हैं व्हाट आर क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज है क्या, अगर हम बात करें द साइलेंट एपिडेमिक है ये। यानी कि क्रोनिक डिजीज जैसे कि हार्ट डिजीज है, जैसे कि डायबिटीज है या फिर कैंसर है, ये सारे जो हैं लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करें ग्लोबल स्तर पर तो डायबिटीज से, कैंसर से और हार्ट डिजीज से जो व्यक्ति की मृत्यु होती है, अगर उसका हम एक डेटा को एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे ये सारे जो डिजीज हैं ये क्रोनिक डिजीज के कैटेगरी में आता है और इसे पूरे वर्ल्ड वाइड लोग अफेक्टेड हैं। जब बात करेंगे लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट, दे कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इम्पोज अ हैवी बर्डन ऑन हेल्थ केयर एंड हेल्थ केयर सिस्टम। ये जो क्रोनिक डिजीज है इससे पेशेंट का, इंडिविजुअल का लाइफ तो प्रभावित होता ही होता है, साथ ही साथ जो हेल्थ सिस्टम है, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर भी बर्डन होता है। क्योंकि अगर हम बात करें पेशेंट जो होते हैं वो मेडिसिन डिपेंडेंट हो जाते हैं, लंबे समय तक उन्हें दवा खाना होता है और ऐसी स्थिति में जो कॉस्टिंग है वह भी बढ़ता है, साथ साथ पेशेंट के हेल्थ का कंडीशन भी मेडिसिन पे डिपेंडेंट होने की वजह से दिन प्रतिदिन खराब होता चला जाता है। प्रिवेंटेबल एंड मैनेजेबल, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, हम इससे बच सकते हैं और अगर हो गया हो तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। मेनी क्रोनिक डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड और मैनेज थ्रू अ लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड अर्ली डिटेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दो चीजों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल का थोड़ा सा चेंज करें, लाइफ स्टाइल में थोड़े से बदलाव करें और साथ ही साथ समय समय पर आप डायग्नोसिस कराएं तो ये जो क्रोनिक डिजीज है जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, अगर समय से डिटेक्ट करा लेते हैं आप तो इसको मैनेज किया जा सकता है। रिस्क फैक्टर फॉर क्रोनिक डिजीज, जैसे अनहेल्दी हैबिट्स, हमने यहां पे आपके सामने तीन पॉइंट डिस्कस किया है। पहला जो है वो अनहेल्दी हैबिट्स है, दूसरा जेनेटिक फैक्टर है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, और थर्ड जो है वो सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। नाम से ही पता चलता है अनहेल्दी हैबिट्स। अब अनहेल्दी हैबिट्स का मतलब क्या है, पुअर डाइटरी चॉइस, जो आप खाना खा रहे हैं, जो भी फूड ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिंस, इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल्स, इस सब का सफिशिएंट अमाउंट में होना जरूरी है। जो ग्रीन वेजिटेबल है उसका प्रॉपर अमाउंट में होना जरूरी है। तो इस सब चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर डाइट को आप प्रॉपर रखेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पुअर डाइट है आपका, आपको यह नहीं पता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, कौन सा चीज मेरे हेल्थ के लिए बेहतर है, तो फिर यह परेशानी आपको आती है। फिजिकल इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी का मतलब है
कि जो पर्सन है वो हॉस्पिटल में, वो किसी ऑफिस में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशंस में जॉब करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है कि बॉडी को प्रॉपर मूवमेंट करा पाए, उनके पास थोड़ा सा उनको वक्त निकालना चाहिए, थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए कि ऑफिस एक्टिविटी के अलावा थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी करें। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो बॉडी जो है वो फिजिकल इनएक्टिव हो जाता है, और ऐसे कंडीशन में फिर आपको बहुत सारी बीमारी होने लगता है। स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जिक्र किया है, जब स्मोकिंग के बारे में बात करते हैं तो ये जो स्मोकिंग है, आजकल जो जनरेशन है, जो युवा है, वो भी बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम तो प्रभावित होता ही है, कई प्रकार के कैंसर्स भी इससे प्रोड्यूस होते हैं। एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन, एल्कोहल का सेवन, वाइन है, बियर है, विस्की है, रम है, ये सारे जो चीजों का सेवन करते हैं तो इससे लीवर डैमेज होता है, लीवर में प्रॉब्लम आती है और फिर क्रोनिक डिजीज के शिकार पर्सन हो जाते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेस कंट्रीब्यूट, जो स्ट्रेस है कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज। स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्ट्रेस स्ट्रेस लेने से बॉडी के अंदर में जो हार्मोनल बैलेंस है वो बिगड़ता है और फिर बहुत सारी परेशानियां आने लगती है और आप क्रोनिक डिजीज के शिकार हो जाते हैं। जब हम जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन के बारे में बात करते हैं तो सम इंडिविजुअल्स मे हैव अ हायर जेनेटिक रिस्क ऑफ सर्टेन क्रोनिक डिजीज, बट दिस कैन बी माइग्रेटेड थ्रू अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। अभी हमने पिछले स्लाइड्स में बात किया था कि अगर आप समय समय पर टेस्ट कराते हैं, अगर कोई पर्सन थैलेसीमिया से पीड़ित है, कोई पर्सन सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है, और अगर वो समय से जांच करा लेते हैं, जब पता चलता है कि उनका ये जेनेटिक डिजीज है, तो इसको थोड़ा ट्रीट करना, इसको थोड़ा कंट्रोल करना आसान हो जाता है। सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके वश में नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको सिचुएशन के साथ चलना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ हेल्दी रहे, क्रोनिक डिजीज से आप बचें, तो आपको ये सब चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि इनकम है, एजुकेशन लेवल है, एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट कैन बी इन्फ्लुएंस द रिस्क ऑफ इन डेवलपिंग क्रोनिक डिजीज। अब अगर किसी का इनकम सही नहीं है तो वो भी हमेशा प्रेशर में होता है, हमेशा टेंशन में होता है। शिक्षा का लेवल अगर सही नहीं है तो उस हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिलती, उस हिसाब से वो अपने कार्य नहीं कर पाते हैं, तो भी टेंशन होता है। इसके साथ साथ जहाँ पे अगर हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, लोग दवा दुकान से दवा लेकर के खा रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं, डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, तो फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे होगा। ये सारी भी समस्याएं हैं जिससे क्रोनिक डिजीज होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन क्रोनिक डिजीज सेव्स लाइव्स एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर हम प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो अगर सही से समय पर डायग्नोसिस हो जाता है तो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ता है। जो व्यक्ति की आयु है, डिजीज तो है, क्रोनिक डिजीज अगर हो गया है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अगर हो गया है, समय से डायग्नोस हो जाए, अगर मेडिसिन डिपेंडेंट ही होना है, लेकिन जो डायग्नोसिस समय से होगा तो प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, जिससे मैनेज करना आसान हो जाएगा। प्रिवेंशन इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन द ट्रीटमेंट, कैन बी रिड्यूस द इकोनॉमिक बर्डन और इंडिविजुअल फैमिलीज एंड हेल्थ केयर सिस्टम। अगर आप पहले से ही अपने हैबिट्स को ठीक रखते हैं, अपने फिजिकल एक्टिविटी को ठीक रखते हैं, स्ट्रेस को बैलेंस रखते हैं, ये सारी चीजों से को कंट्रोल करते हैं, तो आप इस प्रकार के बीमारी से दूर रह पाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और जब आपको इस तरीके का क्रोनिक डिजीज होता है तो फिर आगे चल करके जो उसके ट्रीटमेंट में जो कॉस्टिंग लगती है, उससे व्यक्ति भी परेशान होता है, परिवार भी परेशान होता है, और हेल्थ केयर सिस्टम जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। बाय प्रिवेंटिंग क्रोनिक डिजीज वी कैन क्रिएट अ हेल्दियर सोसाइटी विथ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट। अगर हम थोड़ा सा ख्याल करें, अगर इस प्रकार के हैबिट्स को अपने में शामिल करें, तो निश्चित रूप से क्रोनिक डिजीज से हम बच सकते हैं, और इससे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्लस इंडिविजुअल इस सबों को पैसा बचेगा, बेहतर एक समाज में हर व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा और क्रोनिक डिजीज से बच पाएगा। हेल्दी लाइफ स्टाइल के जो पिछला स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी है तो आप स्वस्थ रह पाएंगे, अगर आप न्यूट्रिशन को समझते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रह पाएंगे, क्रोनिक डिजीज से बच पाएंगे। पहला है फिजिकल एक्टिविटी,
Engaging a regular exercise and physical activity helps maintain a healthy weight, reduce the risk of chronic disease and boosts mental well-being. अगर हम बात करते हैं डेली थोड़ा सा एक्सरसाइज कर पाएं, थोड़ा सा योगा कर पाएं, अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज और योगा को शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो बॉडी है वो फिट रहता है, आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, आपके बॉडी के अंदर फूड का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होता है और इससे आप हेल्दी रह पाते हैं। आपको हार्ट के अंदर जो प्रॉब्लम है, आपके बॉडी के अंदर डायबिटीज का जो इंसुलिन के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, ये सारी चीजों से आप दूर रह पाते हैं। ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, इसको आप कंट्रोल कर पाते हैं। न्यूट्रिशन, अब बैलेंस डाइट रिच इन फ्रूट्स होना चाहिए, वेजिटेबल्स होना चाहिए, ग्रेन्स होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, ये सारी चीज अगर खाना में होता है तो निश्चित रूप से आपका खाना बैलेंस डाइट कहलाता है और आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आप हेल्दी रह पाते हैं। अगर अब इसके अलावा बात करें टिप्स फॉर प्रिवेंशन, बचने के क्या क्या तरीके हैं, पहले तो आपको समझना पड़ेगा रिस्क क्या है। रिस्क ये है कि अंडरस्टैंड योर फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड पर्सनल रिस्क फैक्टर फॉर क्रोनिक डिजीज। अगर आपके पेरेंट्स में डायबिटीज की बीमारी है किसी को, अगर आपके पेरेंट्स में किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है जैसे थैलेसीमिया है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, तो आप अपना टेस्ट करवाएं और आपके टेस्ट से आपको यह कंफर्म हो जाता है कि यह जेनेटिक डिजीज आपके पेरेंट्स में था और आप में भी ट्रांसमिट हुआ है, तो आपको मैनेज करना आसान हो जाता है। इसके अलावा है जो हम बात करेंगे स्क्रीन रेगुलरली, समय समय पर डायग्नोसिस जरूर कराएं। रेगुलर स्क्रीनिंग कैन डिटेक्ट द अर्ली साइंस ऑफ क्रोनिक डिजीज। अगर आप समय समय पर टेस्ट कराते हैं तो कोई खतरनाक बीमारी आपके बॉडी में जो डेवलप हो रहा होता है उसको डायग्नोस कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है। इसके अलावा प्रैक्टिस स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट, कैसे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सके, तनाव को कैसे कम कर सके, तो क्रोनिक स्ट्रेस कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज। एक्सप्लोर स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक सच एज योगा, मेडिटेशन एंड हॉबीज। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ हॉबीज होता है, थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने हॉबीज के लिए और उसके में अगर आप अपने हॉबीज के लिए समय निकालते हैं और तो आपका ब्रेन जो है वो स्ट्रेस फ्री होता है और उससे आप हेल्दी लाइफ स्टाइल जी पाते हैं और क्रोनिक डिजीज से आप बच पाते हैं। कंक्लूजन क्या है, मैं क्यों इस विषय पर डिस्कस कर रहा हूं। अगर हम हर फैमिली की बात करें तो या तो कोई डायबिटीज से पीड़ित है, या फिर कोई ब्लड प्रेशर का हाइपरटेंशन का मेडिसिन ले रहा है, या फिर कोई एसिडिटी का मेडिसिन ले रहा है, तो मेरा कहना है अगर आप थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देंगे, सब बाकी चीजों पे तो आप ध्यान दे ही रहे हैं, थोड़ा सा अगर अपने आप पे ध्यान देंगे, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, थोड़ा योगा प्राणायाम करेंगे, फूड को लेने से पहले जरूर आप समझेंगे कि ये जो फूड मैं ले रहा हूं क्या ये मेरे हेल्थ के लिए बेहतर है। अगर इस सब चीजों पर आप ध्यान देंगे तो और समय समय पर स्क्रीनिंग कराएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो निश्चित रूप से जो आपका हेल्थ है वो बेहतर रहेगा। बाई मेकिंग कंसिक्वेंस चॉइस एंड एडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल कैन बी मिनिमाइज द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज। और लोगों को भी अवेयर करें, लोगों को भी जागरूक करें कि अगर इस तरीके का कोई सिम्टम्स अगर आपको दिखता है तो आप इमीडिएट डायग्नोसिस करें और फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो जो भी डिजीज है जो क्यूरेबल है वो क्योर हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिसमें आपको मैनेज करना होता है, मेडिसिन डिपेंडेंट आप होते हैं और फिर उसको लाइफ टाइम आपको मेडिसिन डिपेंडेंसी हो जाती है, तो वैसे कंडीशन में मेडिसिन को इग्नोर भी ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।